कक्षा चतुर्थी विषय नैतिक शिक्षा ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले हम तीन बार ब्रह्मनाद करेंगे। ओ पाठ तीन एकात्मा मंत्र भाग एक। आज हम एकात्मा मंत्र का अभ्यास करेंगे और अर्थ को सुनेंगे। यम वैदिका मंत्र दिशः पुराणां इन्द्रं मयमाचरिष्वा नमः वेदान्तिनो निर्वचनेयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति सेवायमेषं शिवहे इत्योचम् यं वैष्णवा विष्णुरिति दिशन्ति बुधस्तथारं वृत्तिबोधजैना सत्श्री अकाले चेत् किसन्तः शास्त्रे चिके चेत् प्रकृते कुमार स्वामीति माते च पिते च भक्त्या यं प्रातयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीय। अर्थ सुनेंगे। प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसे यम इंद्र यम मातृ शिवा कहकर पुकारा और एक अनिवृच्य वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं। शिव जिसको शिव वैष्णव जिसको विष्णु कहकर स्तुति करते हैं। बौद्ध और जैन जिससे बुद्ध और अरहंत कहते हैं तथा सिख संत जिसे संत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं। जिस जगत के स्वामी को कोई शास्त्र कोई प्रकृति कोई कुमार स्वामी कहते हैं तो कोई स्वामी माता पिता कहकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय है अर्थात उसका कोई जोड़ नहीं है। भारत माता की जय।